युगों युगों से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 25 दिसंबर 2019 दिन बुधवार, पौष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज चतुर्दशी तिथि दोपहर 11:17 तक रहेगी और उसके पश्चात अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है उसका समय नहीं पड़ेगा। आज राहु काल दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 1:37 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, आज मैं अपने सभी ईसाई भाई बंधुओं को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके धैर्य रखने की क्षमता की सब जगह प्रशंसा होगी और वर्क प्लेस पर आपके सहकर्मी भी आपको आदर भाव से देखेंगे। इसी से प्रभावित होकर आज आपके बॉस एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आज आपको असाइन कर सकते हैं जिसके टीम लीडर भी आप ही होंगे। इस अपॉर्चुनिटी को आपको आज भरपूर फायदा उठाना चाहिए क्योंकि इसी से आपकी करियर ग्रोथ के ऑप्शंस खुलने वाले हैं। आज आपके लाइफ पार्टनर को आप पर शक हो सकता है और आपके समझाने बुझाने के बाद भी उन पर इसका कोई असर नहीं होगा जिससे आज आपके बीच अच्छा खासा विवाद हो सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। इससे आज आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने गृहस्थ जीवन में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और आए दिन किसी न किसी बात पर आप दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणि द्वारा अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके वैवाहिक जीवन में दोबारा सुखों का आगमन होगा और आप दोनों के बीच का आपसी प्रेम और प्यार बढ़ेगा। मकर राशि वालों, अगर आप संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी
रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ सकती है। ये उपाय बड़ी सरलता से आज कोई भी राशि का जातक कर सकता है। आज आप प्रातः काल उठकर 11 तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ पीसकर उसका जो रस है वो प्रतिदिन ग्रहण करें, उसको एक बोतल में स्टोर कर लें और हर दिन सुबह सुबह उस रस को ग्रहण करें पानी में मिलाकर। इससे अवश्य ही आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और जो भी आप पढ़ाई करेंगे वे आपको सदैव याद रहेंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। कहां से हो आप? हिमाचल प्रदेश। आप गुरु जी के पास आए, गुरु रजनी शिशि जी के पास और गुरु मारुकमणि जी के पास, आपको कैसा लगा? हमें काफी अच्छा लगा और मैं 4-5 महीने से जुड़ा हूँ तो बड़ा अच्छा फील हो रहा, मेरे सारे काम बन रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी मतलब नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो ही रहा हूँ। आपको गुरु जी ने कितनी रेंज बनाई है? रेंज दिखाओ। चार रिंग है, मैं लगभग 7-8 स्टोन लिए हैं, एक गले का भी है और 4 अंगूठे हैं। इसको पहन के क्या प्रभाव हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है और सब बढ़िया लग रहा है और 100% परिचय हुआ है। और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुरु जी गुरुवा के बारे में? मैं जो भी कोई परेशान है अपनी समस्या से तो एक बार गुरु जी से जरूर मिले और मैं आशा करता हूँ कि उनका समाधान जरूर होगा। हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।